आप से, अभी हम निकल आए हैं, वहाँ का विज़िट किया है, वो आईफोन सीरीज़ में मौजूद हैं वीडियोस की। और सदरियाब से निकल कर अभी ये चारसद्दा का ही एरिया है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ का मशहूर है कोई मोटा चावल, हाँ। उस तरफ जा रहे हैं, और दुआबा शबकदर रोड। है लेकिन समझो एक लेन तो बहुत ही बिल्कुल रहती है, स्लो स्लो ट्रैफिक, रिक्शे, साइकिल्स और ये सारा कुछ। कौन सा ख्याली पुल? ख्याली पुल आ गया जी ये। और ये भी जैसे वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, ऐसी अंग्रेजों के जमाने का पुल ही चल रहा है जी। ख्याली पुल है इसका नाम जी। 70 साल में हमने भी ख्याली पुल ही बनाए, हर चीज बनाई है। जो अंग्रेजों से जो चीज मिल गई उसी को हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं। ख्याली पुल से गुजर गए हैं, और ये कोई बारात की गाड़ी है दूल्हा की, चश्मे वाले हेलमेट वाले बैठे। हाँ, चश्मे हेलमेट चारसद्दा के मेन बाजार से, मेन बाजार चारसद्दा, लेफ्ट साइड पे मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, ये हैं, बाजार में रश है। मे भी आज संडे की वजह से हो, लोग कोई खरीदारी करने ये करने निकले हो। ये है चारसद्दा बाजार। बड़ा रश हो गया भाई। ये चारसद्दा बाजार से हम गुजर रहे हैं। टांगा नजर आया यार बड़े अरसे बाद। टांगे में बैठने का बड़ा मजा आता था। अब हमने जाना किस तरफ है? हम सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे राइट को जो है वो मोटरवे की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा, ये चारसद्दा का मेन बाजार है, राइट को मोटरवे की तरफ निकल रही है और लेफ्ट को चारसद्दा के कुछ गांव है वहां। अच्छा अच्छा, सीधा जाना है। अब ये पाइप शाइप डालने के लिए, और ये जो था उसका रेवो का लेफ्ट पे जाएंगे इधर। वो हाइलक्स थी ना पाइप शाइप कंप्रेसर डालने के लिए, बाकी वाले डबल केबिन में ही सब कुछ लोड कर रहे होते हैं, सारे सुकरात बुकरात अरस्तू अफलातून जो जमा है। चाचा इसरारुद्दीन कदीमी स्वीट, ये रजड़ की मशहूर मिठाई है। ये रजड़ की है मशहूर मिठाई यार। क्या मर्दान के वो भी तो बड़े मशहूर है, क्या पेड़े? पेड़े हाँ, मर्दान तो आगे है ना अभी। मर्दान तो आगे, हाँ, चारसद्दा से उस तरफ है ना। तो एक ही चीज लगती है ना, आपस में रिश्तेदार ही हुए ना मर्दान और चारसद्दा। ये है ट्रैफिक, जगह जगह जाम होता है। बड़ा पुरसकून टाइम निकाल कर आए अगर इधर आना है तो। वो मोटरसाइकिल वाले ने मारी इसको, इनसे बड़ा डर लगता है भाई। हाँ, तख्तबाई और सीधा ये आ गया निसार मोहम्मद खान रोड, हयातुल्ला शहीद चौक। हम यहाँ से राइट पे जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ से राइट पर जाएंगे, गाड़ी के पीछे पीछे निकले। यस, ये पहले जो होटल है ना इसमें खड़ी करनी है, ये लेफ्ट पे जी पहली वाली चारपाई पड़े हुए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कहते हैं, यहाँ पे इनसे मोटा चावल लेते हैं। अच्छा, कामरान भाई तो आए नहीं है वो हम गनी डेरे के पास हमारा इंतजार कर रहे हैं।
बस इनसे ये उसी के मुनासिबत से जगह बनाई है और उसका म्यूजियम है, जो पेंटिंग उसने बनाई है या जो अशआर उसने लिख के वो खुतबे की शक्ल में वहाँ पे लिख के वो रख दिए। अच्छा, ये आए हैं जी पुष्कलावती म्यूजियम, गनी डेरे। अंदर जाती है गाड़ी के नहीं जाती? नहीं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके जाते हैं। ये तो निकली है गाड़ी अंदर से? ये वो स्टाफ की होती है ना। पुष्कलावती म्यूजियम पे हम रुके थे। पुष्कलावती का मतलब है कमल के फूलों का शहर, और ये चारसद्दा जो है गंधारा सिविलाइजेशन का, गंधारा तहजीब का, ये म्यूजियम वाले बता रहे थे कि ये उसका मरकज रहा है। तो म्यूजियम बना हुआ है, गौतम बुद्ध के मुजस्मे वगैरह और ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और गनी खान पश्तों के पोएट वगैरह रहे हैं, उनकी पेंटिंग्स भी हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं, पोइट्री भी है यहाँ पे लिखी हुई। तो वो सारी कवरेज की है, वो आप आईफोन सीरीज़ में देखें। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं तख्तबाई के लिए, तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करें ट्रिप को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम म्यूजियम से आगे निकले हैं, तो आगे रोड अच्छा था, अभी ये थोड़ा पैच खराब आया है। जो ये रोड मेरे ख्याल में बन रहा है, ये जो है 8-10 किलोमीटर रोड बन रहा है, और जब बन जाएगा तो फिर डेफिनेटली अच्छा हो ही जाएगा। तख्तबाई की तरफ जा रहे हैं हम, बिटवीन चारसद्दा एंड तख्तबाई। ये रोड थोड़ा खराब है। ये अभी हम मुड़ गए हैं जजनो डाक की तरफ। ये कच्चा रोड है और कामरान भाई को हम फॉलो कर रहे हैं। खेत हैं और ये दरख्त लगे हुए हैं। देखो ना अभी क्या बज रहा है, समझो 2:30 भी नहीं हुए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रोशनी कम होती जा रही हो ना लाइट। और यही अभी आप गर्मी में होते तो इस टाइम आप बाहर नहीं उतर सकते थे गाड़ी से,